गर्ल्स इट्स नेक्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो है फेस शेविंग को लेके। फेस शेविंग की जब बात आती है तो हम में से बहुत सारे लड़कियां ऐसे शर्मा जाते हैं या फिर डर जाते हैं कि कहीं फेस शेविंग से लड़कों जैसे ठीक बाल तो नहीं ना आ जाएगा फेस पे। पर गर्ल्स मैं पिछले 3 महीनों से ये मेथड ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट। फेस शेविंग से आपका फेस का टैन बहुत हद तक कम हो जाएगा, फेस में एक नेचुरल ग्लो आ जाएगा एंड फेस का डेड स्किन सेल भी हट जाएगा। फेस शेविंग से आपका फेस में कोई भी आप लोग अगर सीरम टोनर फेशियल क्रीम यूज़ करोगे तो अंदर तक जा पाएगा एंड मेकअप भी अच्छे से ब्लेंड हो पाएगा। सो गर्ल्स में मेरा फेस शेव करने के लिए टिंगल की ये छोटा छोटा फेशियल रेजर यूज़ कर दूँ। एक पैकेट में ये 3 आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके परचेज लिंक दे दूँगी आपको, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। फिर ये रेजर मैं फेस में यूज़ करने से पहले एक कटोरी में थोड़ा सा लीव कॉर्न पानी डालती हूँ, फिर उसमें डेटॉल डाल के इसको सैनिटाइज करके फिर टॉवल से पोंछ के इसे यूज़ करती हूँ। सो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे आप लोग ये यूज़ करोगे अपनी फेस को शेप कर देंगे। शेविंग करने के लिए मैं पहले थोड़ा फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लूँगी। तो आप देख लो मैं थोड़ा सा फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। को मैं धो लिया, बस अब थोड़ा सा स्क्रबिंग करूँगी। स्क्रबिंग करने से फेस का डेड स्किन सेल निकल जाएगा एंड शेविंग करने में बहुत हेल्प होगा। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप भी फेस वॉश करने के बाद स्क्रबिंग करके ही शेविंग करें। मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लेना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी बटन आएगा उसे भी प्रेस कर लेना ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए एंड आप वो वीडियो पहले देख पाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।